वेलकम टू एंजल्स हार्ट वर्ल्ड। आज मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इतना इनक्रेज किया कि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो है डेकोपेज क्राफ्ट का। ये देखिए, इसके लिए हमें जो ज़रूरी सामान चाहिए वो ये है। वो एक मिरर के ऊपर बना रही हूँ जिसका ये बॉर्डर वाइट है, बिल्कुल बिल्कुल फीका सा है, और मैं इसे थोड़ा डेकोरेट करना चाहती हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए डेकोपेज नैपकिन्स। ये नैपकिन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, मैंने ये फ्लावर्स वाले नैपकिन्स चूज़ किए हैं। आप चाहें तो बर्ड्स के एंड डॉट्स की बहुत सारे अच्छे अच्छे नैपकिन्स आते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मोटमोज ग्लॉस ग्लू, जो कि स्पेशली डेकोपेज नैपकिन को चिपकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं यहाँ फेविक्रिल का मोटपोज यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी सस्ते में मुझे मिला है, तो आप भी चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोटपोज का अपना भी एक महंगा सा ग्लू आता है। इसके लिए चाहिए हमें वाइट एक्रेलिक कलर। वाइट एक्रेलिक कलर इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारा बेसिक कलर है, जो हमारा बेस कलर है, उसी कलर को हम चूज़ करते हैं यहाँ पे। और हमें चाहिए एक स्पंज, एक सीज़र जिससे हम इसकी कटिंग करेंगे, और ग्लू करने के लिए एक ब्रश। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम जो हमारे वाइट एक्रेलिक कलर है उसे हम प्लेट में निकाल करके हम यहाँ पे डैप करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे डैप करते हुए। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा मिरर है, इसके जो फ्रेम को मैंने अच्छे से डैप कर करके वाइट कलर से इसे कवर कर दिया है। फ्रेंड्स, जब तक हमारा मिरर फ्रेम सूखता है तब तक हम अपने डेको पेज के जो डिज़ाइंस हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे ज़रा सा आप हाथ से ऐसे करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ दो पन्ने हैं, एक मेन है और ये देखिए, आप इसे इजीली ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आपसे ये न निकले तो आप यहाँ पे ज़रा सा पानी लगाएंगे तो ये खुद को खुद अलग हो जाएंगे। बहुत आराम से इन्हें हम अलग कर देंगे। ये मेरा जो डेकोपेज नैपकिन है, हमें इसकी ज़रूरत है। इसके पीछे जो ये वाइट कलर का था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे जो भी डिज़ाइन चाहिए उसे हम सीज़र की मदद से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे सारे जो डेकोपेज के डिज़ाइंस हैं मैंने उन्हें ऐसे कट कर लिया है। बहुत नीट एंड क्लीन कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर हम उन पे चिपकाएंगे तो ये बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। तो आइए चलिए इन्हें अब हम ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। अब हम ये जो फेविक्रिल का मोटपोज ग्लू है उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पहला डिज़ाइन लगाते हैं, बहुत आराम से इसे हम प्लेस करेंगे। मेक श्योर नैपकिन से पहले कि यहाँ हर जगह ग्लू लगा हो। जो थोड़े बड़े फ्लावर होते हैं उन्हें इस तरह से हम प्लेस कर देंगे।
बहुत केयरफुली करिए। और जो ये हमारे एक्स्ट्रा पेपर हैं इन्हें हम कट कर देंगे, बट अभी हम पहले प्लेस कर देते हैं सारी जो कटिंग्स हमने कर रखी हैं। पहले ये जो बिल्कुल प्लेन सा मिरर फ्रेम था, अब वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के संग आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंजल्स आर्ट वर्ल्ड।